Assalamualaikum. My name is Sayyed Rahat Ali and my roll number is 24. Today I will discuss to you and my topic name is insects repellents. सबसे पहले आ जाते हैं इसमें introduction. Insects repellents insecticides का दूसरा नाम है और इसमें insecticides में mosquitoes, cockroach वगैरह include होते हैं. और इंसेक्ट्स रिपेलेंट ऐसी चीज़ है जिसको हम इंसेक्ट्स से बचने के लिए यूज़ करते हैं. यानी इंडिविजुअल्स कोई किसी पर्सन को इंसेक्ट्स से मतलब के जितने भी इंसेक्ट्स हैं उनकी एक्सेस से बचाने के लिए हम इनको यूज़ करते हैं. आगे इसकी आ जाती है डेफिनेशन. डेफिनेशन में है कि जो नेचुरल इंसेक्ट्स रिपेलेंट इसमें आ जाता है. नेचुरल अगर हम बात करें जो कि पूरी स्लाइड में एक्सप्लेन की गई है वो मॉस्क्वीटो है. तो जो हम मॉस्क्वीटो से बचने के लिए स्प्रे और लोशन यूज़ करते हैं ताकि जब मॉस्क्वीटो बाइट कर लेता है इससे बचने के लिए ताकि वो बाइट करे तो जो हम रिपेलेंट यूज़ करते हैं तो उनको हम इंसेक्ट्स रिपेलेंट कहते हैं. नेचुरल इंसेक्ट्स रिपेलेंट क्योंकि नेचुरल मॉस्क्वीटो ही फर्स्ट आते हैं बाइट में. और इसमें आगे है हिस्ट्री. कदीम दौर से कीड़े मकोड़े हुए कीड़े इस्तेमाल किए जाते हैं. मुख्तलिफ तरह के पौधों के तेल कीड़े मार दवाओं को मारने के लिए इस्तेमाल किया जाता था. सिट्रोनेला का इन दिनों से एक ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है जिसमें डाईमिथाइल फाथलेट का पता चला था. कुदरती पौधों से आखस होने वाले नए अज्जा को तलाश करने और मोस्टली इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले मॉस्क्वीटो ही होते हैं. लीव्स आगे आ जाता है. लीव्स के लीव्स को हम इंसेक्ट्स रिपेलेंट्स कैसे कह सकते हैं. मतलब क्या तो इसमें आ जाता है सिट्रोनेला लीव्स. मतलब के ये एग्जांपल है सिट्रोनेला लीव्स की. आगे ये है लीव्स. ये इसमें दिखाया गया है कि ये सिट्रोनेला लीव्स होती हैं. इस तरह की शेप होती है इनकी. इसमें आगे आ जाता है पोटेंशियल प्लांट्स. इसमें ये लिखा है कि कोई ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें मॉस्क्वीटो के अगेंस्ट रिपेलेंसी बहुत ज़्यादा होती है और इन्हें से हम वोलाटाइल ऑयल और ऑयल वोलाटाइल वो होते हैं जो हम प्लांट से रिमूव करवाते हैं. मतलब एक्सट्रैक्ट करते हैं प्लांट से. इनको वोलाटाइल ऑयल कहते हैं. मसलन इसमें आ जाता है फिंगर रूट, टर्मेरिक, ग्रेटर गैलनगेल, कार्डमोम, नीम, सिया मीस, कैसिया, सिट्रोनेला, ग्रास. और इसमें फर्दर आगे आ जाता है सिट्रोनेला. ये भी एक प्लांट है. ये भी रिपेलेंट करैक्टरिस्टिक्स शो करता है और इसमें से हम 16 टाइप के वोलाटाइल ऑयल रिमूव करते हैं और ये 2 hours के रिपेलेंसी डाटा है. कुछ कंपोनेंट में है जो के इसमें इंक्लूड होते हैं जिनमें सिट्रोनेला, यूजिनोल, जर्नोल, लिमोनिन वगैरह होते हैं. जो सिट्रोनेला है ये 44 मॉस्क्वीटो के अगेंस्ट कंसंट्रेशन रखता है रिपेलेंट की. और इसमें 0.05% टू 50 वेट ओवर वॉल्यूम की रेंज होती है. और इसमें एक चीज़ और का भी बताया गया है जो कि है रिपेलेंट केक. बेसिकली जो रिपेलेंट केक का मतलब होता है वो ये है. मतलब कि जो हम प्लांट से एक्सट्रैक्ट करके ऑयल या केमिकल निकालते हैं ना रिपेलेंसी के लिए हम रिपेलेंट केक कहते हैं. इसमें आगे आ जाता है प्रिपरेशंस. प्रिपरेशन ऑफ सिट्रोनेला लीव्स.
इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है उसमें है कि ताज़ा लीफ ली और ग्राउंड में उसको पेस्ट कर दिया, और जो सेकंड पॉइंट है वो ये है कि 5200 ग्राम सिट्रोनेला पत्ती का पेस्ट, और इसमें जो थर्ड है उसमें है कि और इसमें डिफरेंट बाइंडर्स ऐड किए, और उसके बाद आगे आ जाता है खुशक वज़न के एक को 24 hours धूप में खुशक होने दिया, और उसके बाद जो है और इसका जो रिज़ल्ट आता है उसमें सिट्रोनेला लीफ केक मिल जाता है, और इसके बाद फर्दर जो है इसकी तैयारी में कोक का डंग और नीम पाउडर भी शामिल है। और ये प्रिपरेशन ऑफ लीफ है कि किस तरह लीफ की प्रिपरेशन होती है, ये शेप में यही दिखाया गया एग्जांपल के तौर पे। और इसके बाद आगे आ जाता है एवेल्युएशन, ये है कि जो हम लोग केक्स बनाते हैं ना इससे हम इसको चेक करते हैं इसकी फ्लेमेबिलिटी के लिहाज से, यानी इसका फ्लेम टेस्ट करके, और इसके ऐश जो होते हैं ना इसको हम यूज़ करते हैं इंसेक्ट्स रिपेलेंट के लिए कि जहाँ पे मॉस्किटो की मकदार ज़्यादा होती है, मतलब कि जैसे हम मॉस्किटो का यूज़ करते हैं ना तो रिपेलेंट केक ही कोइल है, तो जो मॉस्किटो कोइल होते हैं ना उनको हम नाइट में या इवनिंग में वही जगह पे रखते हैं जहाँ पे मॉस्किटो की तादाद ज़्यादा है, ना तो वहाँ पे इसका इफ़ेक्ट भी उतना ही ज़्यादा होगा टेस्ट, मतलब के सबसे पहले आ जाता है टेस्ट। इसके कुछ टेस्ट हैं जिसमें सबसे पहले है फ्लेमेबिलिटी टेस्ट। फ्लेमेबिलिटी टेस्ट क्या होता है, हम इसके फ्यूम से इसको ऑब्ज़र्व करते हैं, ऐसी क्या होता है कि हमें जो कंपाउंड्स होते हैं ना इसको हम बर्न कर रहे होते हैं कैंडल से या हम माचिस से, वो कॉइल को जब हम उसके ऊपर हम फ्लेम करते हैं ना तो हमें उससे जो ऐश निकलती है, जो फ्लेम निकलता है, फ्यूम्स निकलते हैं, तो वो हमें हेल्प करते हैं मॉस्किटो को दूर रखने के लिए, और जब वो कोइल बर्न हो जाता है तो हम इस की ऐश को कलेक्ट करते हैं जिससे हमको आइडिया हो जाता है कि इसकी कितनी मकदार यूज़ हुई है। नेक्स्ट हम इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं, ठीक है, और इसमें जो मेन पॉइंट है वो ये है कि हमें कॉइल पूरा अच्छे तरीके से बर्न करना चाहिए, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि वो चलता चलता बुझ जाता है, तो हमें दोबारा उसे जलाना पड़ता है, तो इस चीज़ का ध्यान में रखना है कि वो कम्प्लीटली बर्न हो जाए। इसमें आगे फर्दर आ जाता है मॉस्किटो रिपेलेंसी टेस्ट, कि जब हम मॉस्किटो का एरिया डिफाइन कर लेते हैं ना तो वहाँ पे हम या तो कॉइल वगैरह कर लें या तो हम प्लांट्स जो रिपेलेंट यूज़ करते हैं इनको भी हम जला के ना तो रिपेलेंसी यूज़ कर सकते हैं, तो फिर या हम उसमें से निकाल कर केमिकल बना सकते हैं, और ये दो तरीके होते हैं प्लांट का रिपेलेंट यूज़ करने के। तो इसमें वही लिखा हुआ है कि हम प्लांट्स को जब बोन्स करते हैं जहाँ पे मॉस्किटो ज़्यादा होते हैं ताकि वो भाग ना पाए, और अगर वो वर्क नहीं करता तो हम इस में और इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर लें केमिकल्स में जो कि अफेक्टिव हों मॉस्किटो को भगाने के लिए। और इसमें आगे आ जाता है इसका बैकग्राउंड, बैकग्राउंड में है कि जो कंपाउंड्स प्लांट्स
में होते हैं, ना वो फाइटोफोगस अटैक में ना प्रिवेंट करते हैं हमें, मतलब फाइटोफोगस जो मैंने टर्म यूज़ की है वो ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं जो प्लांट्स को एज आ फीड यूज़ करते हैं। तहम प्लांट्स में ऐसे कंपाउंड्स मौजूद होते हैं जो इनको अटैक को प्रिवेंट करते हैं, तो वो प्लांट ना हम रिपेलेंट में यूज़ कर लेते हैं। और इसमें आगे जो पॉइंट है थर्ड वो ये है कि इंसानों ने हज़ारों सालों से पौधों के मादे का इस्तेमाल किया है, जिसका इस्तेमाल घरों में कुचले हुए पौधों को फांसी देकर किया गया है, और पौधों को फ्यूमिगेंट्स की शक्ल में इस्तेमाल किया गया है, जहां पौधों को मच्छरों को भगाने के लिए जलाया गया था, और बाद में जिल्द पर तेल की तश्कील के बाद। और इसमें कुदरती महक से बचने वाले रिपेलेंट को तरजीह दी जाती है क्योंकि पौधों को महफूज और काबिल एतमाद समझा जाता है। और इसमें आगे जो है वो है एसेंशियल ऑयल, वो ऑयल होते हैं जो हम प्लांट से एक्सट्रैक्ट करते हैं और एज आ डिपेंडेंट यूज़ करते हैं जब मॉस्क्वीटो हमारी स्किन पे बाइट करता है, तो बाद में हम इस पे कोई लोशन या ऑयल यूज़ करते हैं, तो वो यही ऑयल होते हैं जो प्लांट से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, एसेंशियल ऑयल। और इसमें जो सेकंड पॉइंट है वो ये है, इन ख़ानदानों के बहुत से अफराद को दही रबतों में घरों में जलाने या फांसी देने के ज़रिए इस्तेमाल किया जाता है। और इसमें जो थर्ड पॉइंट है वो ये है कि रिपेलेंट के तौर पर इस्तेमाल होने वाले तमाम पौधों को खाने के जायके में इस्तेमाल किया जाता है, जो बहुत से तेलों के बावजूद रबतों की वजह से डरमेट के बाइस तेल के महफूज कुदरती की वजाहत कर सकता है। और इसमें फर्दर जो आगे है वो ये है कि बहुत से तजादी रिपेलेंट्स बहुत से पौधों के ज़रूरी तेल पर मुश्तमिल होता है, या तो इनहराफ या पिपलमेंट, लेमन ग्रास, ग्रैनियल, पाइन ऑयल, पैनी ऑयल, सीडर ऑयल, थाइम ऑयल एंड पेचोली। और इसमें जो सेकंड पॉइंट है वो ये है कि जो ज़्यादातर इसमें इंक्लूड होता है ऑयल में, वो होता है थाइम ऑयल और ग्रैनियल, पेपरमेंट ऑयल, सीडर ऑयल, पेचोली, और जो इसमें पाया जाता है वो होता है रेपल, मलेरिया, फ्लैरियल एंड येलो फीवर होता है। और इसका जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 60 to 180 मिनट्स। और इसमें आगे जो है वो है कि इनमें से ज़्यादातर ज़रूरी तेल इंतहाई उतार चढ़ाव का शिकार होता है, और ये काउंट्री मॉस्किटो से बचने वाले की हैसियत से अपनी लाकस लंबी उम्र में। इसमें जो आगे पॉइंट है वो ये है कि एहतियात फार्मूलेशन इस्तेमाल करके इस मसले को दूर किया जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर हल्दी और बालों वाले तलसियों से तेल के 5% वेनिल्स रिपेलेंट के साथ मॉस्किटोज की 3 स्पीशीज होती हैं। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा।